हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? फ्रेंड्स, सीटेट का एग्ज़ाम बहुत ही पास आ गया है। आइए आज हम पढ़ते हैं अभी प्रेरणा, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट्स हैं। आज जानते हैं प्रेरणा क्या होता है। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटेम से हुई है, जिसका अर्थ है टू मूव, अर्थात वे सभी कार्य जो व्यवहार की गति देते हैं और अभिप्रेरणा कहलाते हैं। वे सभी कार्य जो व्यवहार की गति देते हैं, व्यवहार क्या गति प्रदान करते हैं। स्किनर क्या कहते हैं, इस अभिप्रेरणा अधिक सर्वोत्तम मार्ग है। प्रमुख सिद्धांत आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया है, मैस्लो ने। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत मैकडूगल ने। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत फ्रायड ने। प्रत्याशा सिद्धांत विक्टर ब्रूम ने। अभिप्रेरणा के प्रकार, अभिप्रेरणा कितने प्रकार के होते हैं, शारीरिक या जैविक अभिप्रेरणा, अर्जित या सीखा हुआ अभिप्रेरणा, फिजिकल और बायोजीन, एक्वायर्ड और लर्न। ये यूनिवर्सल होते हैं, जीवित रहने के लिए आवश्यक हैं और जन्म से ही मौजूद होते हैं, जैसे भूख, प्यास, नींद, दर्द आदि। ये सब क्या है, जन्मजात हैं। और अर्जित या सीखा हुआ प्रेरणा कैसा होता है, यूनिवर्सल नहीं होते हैं, जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है, जन्म के बाद सीखना, आकांक्षा, घृणा, ईर्ष्या आदि। किसी भी चीज़ की आकांक्षा करना, इच्छा करना, घृणा, ईर्ष्या, ये सब क्या होते हैं, जन्म के बाद लोगों के अंदर आता है। सकारात्मक 14 संवेग व 14 मूल प्रवृत्तियाँ शामिल हैं। नकारात्मक में पुरस्कार, दंड, प्रतिष्ठा, आकांक्षा आदि। अभिप्रेरणा के सोपान क्या क्या हैं, आवश्यकता चालक प्रोत्साहक उद्दीपक। आवश्यकता में क्या, अभिप्रेरणा का प्रारंभ, चालक में जन्म से, आवश्यकता से जन्म, प्रोत्साहक उद्दीपक में आवश्यकता व चालक को संतुष्ट करना। अभिप्रेरकों के प्रकार, जन्मजात अभिप्रेरक, भूख, प्यास, विश्राम, निद्रा, ये क्या है, जन्मजात अभिप्रेरक है। प्राथमिक अभिप्रेरक भूख, प्यास, यौन क्रियाएं। द्वितीय अभिप्रेरक क्या है, प्रतिष्ठा, जिज्ञासा। सामाजिक अभिप्रेरणा क्या है, प्रतिष्ठा, सुरक्षा। मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणाएँ रचनात्मकता, पलायन, जिज्ञासा। और जैविक अभिप्रेरणा क्या है, क्रोध, भय, प्रेम, ये क्या है, जैविक अभिप्रेरणाएँ हैं। कृत्रिम अभिप्रेरणाएँ क्या है, पुरस्कार, प्रशंसा, दंड, सम्मान, ये सब कृत्रिम अभिप्रेरणाएँ। स्वाभाविक अभिप्रेरणाएँ बोलना, सुख प्राप्त करना। ठीक, मनोवैज्ञानिक एडवर्ड्स ने व्यक्तित्व की मांगों के आधार पर व्यक्तित्व का मापन एक उपकरण, टूल बनाया है, जिसे एडवर्ड्स पर्सनल परफॉर्मेंस शेड्यूल APPS कहते हैं। इसमें 15 व्यक्तित्व की मांगों को शामिल किया गया है। फ्रेंड्स, ये सब देखिए, अभिप्रेरकों के प्रकार बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछते हैं कि कौन सा किस प्रकार का अभिप्रेरक है। ये उसके सोपान, नकारात्मक और सकारात्मक अभिप्रेरक। वीडियो अगर अच्छी लगी फ्रेंड, प्लीज़ कमेंट करिए, चैनल को प्लीज़ शेयर करिए, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और थैंक यू।